सो फाइनली आप में से काफी लोग वेट कर रहे थे हीरो की तरफ से आने वाली फेयरिंग स्पोर्ट बाइक, जो कि हीरो की करिश्मा ZMR की लेगेसी को फुलफिल करने वाली है। जी हाँ, हीरो की XMR 210 के बारे में इस बाइक की लॉन्च डेट कंफर्म हो चुकी है कि ये बाइक इंडिया में कब लॉन्च होने वाली है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये बाइक कब लॉन्च होगी और इस बाइक में क्या कुछ देखने को मिल सकता है, वो आज मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। सबसे पहले बात करें इस बाइक के इंजन की, तो इस बाइक में आपको 210 सीसी का लिक्विड कूल इंजन देखने को मिल जाएगा, जो कि सिंगल सिलेंडर इंजन होने वाला है। और ये इंजन 25 PS के अराउंड पावर जनरेट करेगा और 20 Nm के अराउंड टॉर्क जनरेट करेगा, और ये इंजन 6-स्पीड गेयरबॉक्स के साथ आने वाला है। वहीं इस बाइक के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाएंगे और इसके रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप देखने को मिलेगा। इस गाड़ी में दोनों ही ब्रेक डिस्क होने वाले हैं, साथ ही आपको डुअल चैनल ABS भी देखने को मिल जाएगा। जैसा कि ये बाइक फेयरिंग स्पोर्ट बाइक है, तो ये बाइक देखने में काफी अच्छी लग रही है और ये बाइक ZMR से काफी हटकर बनाई गई है, जो कि आजकल नई गाड़ियां आ रही हैं RS और R15 जैसी, काफी हद तक ये बाइक उन बाइक को लुक्स के मामले में टक्कर देने वाली है। इस बाइक में आपको फुली LED लाइट सेटअप देखने को मिल जाएगा, साथ ही इसका मीटर कंसोल भी फुली डिजिटल होने वाला है। बात करें इस बाइक के लॉन्च डेट की, तो हीरो ने इस बाइक की लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। जी हाँ दोस्तों, ये बाइक इसी 29 अगस्त को इंडिया में लॉन्च होने वाली है। बात करें इस बाइक के इंडिया में प्राइस की, तो एक्सपेक्टेशन है कि ये बाइक इंडिया में लगभग 1,70,000 से 1,80,000 रुपये के अराउंड लॉन्च कर दी जाएगी। तो आप में से कौन कौन इस बाइक का वेट कर रहा था, जल्दी से कमेंट करके बताना। और आपको इस बाइक से रिलेटेड कुछ और भी अपडेट चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। जैसे ही ये बाइक इंडिया में लॉन्च होती है, इसमें क्या कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं और क्या कुछ नया देखने को मिलता है, वो मैं आपको इस बाइक के लॉन्च होते ही अपडेट कर दूंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नए अपडेटेड वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।